बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ बिल्कुल, तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स को बहुत ही बड़ी खुशखबरी, मुबारक हो। और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। आज की इस लेटेस्ट अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूँ रिसेंटली जो बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। काफ़ी दिनों से काफ़ी तलबा इंतज़ार कर रही है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, कब गवर्नमेंट जो है अनाउंस करेगी। तो तलबा इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है। रिजल्ट आपका आ चुका है, किन किन बच्चों का आ चुका है, कौन कौन से बोर्ड्स हैं और रिजल्ट आपने चेक कैसे करना है, इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास बनने वाली हैं। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी बात आपने अच्छे से समझनी है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, कोई भी अपडेट आती है तो फौरन से पहले मैं आपको एक वीडियो के जरिए मैसेज दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले से कोशिश रही है आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट की हेल्प करने की, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मुझसे जितना हुआ मैं आप तमाम तर स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहूँगा। तो अजीज़ तलबा, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम तर व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर ले। लाइक क्या कि को भी पैसे नहीं लगने वाले, इससे हौसला अफजाई होगी और ये शेयरिंग इसी तरह आपके साथ जारी रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, रिजल्ट के इंतजार की घड़ियां तो खत्म होती है, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी वाली जो बात है वो ये है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत ने स्टूडेंट्स के जज्बात को समझते हुए 33% प्रमोशन पॉलिसी के साथ साथ 5% एक्स्ट्रा मार्क्स देने का जो एक फैसला लिया था, ये कन्फर्म अतमी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तलबा के मार्क्स लगाए गए हैं। और 10 नंबर जो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी के मिलाकर दिए जाने थे, इसके मुताबिक आपको नंबर दिए जा रहे हैं। हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए, हुकूमत ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया। और मेरी आप तमाम तो स्टूडेंट्स के लिए अल्लाह से दिल से दुआ है कि आप तमाम तो स्टूडेंट्स जब अपना रिजल्ट चेक करें तो आप तमाम तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट में एक ग्रेड प्लस मार्क्स लगे हों। अगर आपका स्टूडेंट्स रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो आपने मुझे जल्दी से फौरन से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसका 100% सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अब आपको क्या करना पड़ेगा और क्या होगा। इसका 100% सोल्यूशन है, वो आपका थोड़े ही वक्त में हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स जो है वो दोबारा से अच्छे लगा दिए जाएंगे। आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना। और रिजल्ट की बात करें, आपने रिजल्ट चेक कैसे करना है, सिंपली आपने गूगल के ऊपर ejobova.com लिखना है, वहाँ पर आपको रिजल्ट वाली पोस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपने अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। तो मैं आपको जिस तरह बता दूँ, हुकूमत की अनाउंसमेंट के मुताबिक कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा तलबा इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हुकूमत ने लास्ट मीटिंग में, आए दिन कोई ना कोई मीटिंग रखी जा रही, तो लास्ट मीटिंग में हुकूमत ने 5 अक्टूबर का बताया था। तो आज 5 अक्टूबर 2 PM पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मजीद फैसले में तब्दीली होती है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक मैसेज दे दूंगा। तब तक